सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले एक चीज ये चेक करना होता है कि आपका सप्लायर मंथली फाइलर है, क्वार्टरली फाइलर है और उसने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करी है या नहीं। तो वो आपको 2B से सारी चीजें जो हैं वो चेक करनी है कि कौन से इनवॉइसेस आए हैं। लेकिन समस्या ये आती थी कि आपको ये नहीं मालूम कि आपका सप्लायर जो है ना वो क्वार्टरली फाइल करेगा या मंथली फाइल कर रहा है। तो इस चीज के लिए जीएसटी पोर्टल में अब फीचर जो है वो इनेबल कर दिया गया है, जहां पर आप देख पाएंगे एक पर्टिकुलर जीएसटीन पिछले फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है कि आपका सप्लायर क्वार्टरली फाइल कर रहा है रिटर्न या मंथली फाइल कर रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है इसका अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्टली ये आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को इफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद सर्च टैक्स पेयर वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप सर्च बाय जीएसटीन क्लिक करेंगे और जीएसटीन नंबर डाल के आप जैसे ही सर्च करेंगे बिल्कुल एंड में आपको दो टेबल्स दिखाई जाएंगे, शो फाइलिंग टेबल और दूसरा शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्लिक करना है रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी के डेटा पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पर्टिकुलर जीएसटीन जिसका आपने सर्च किया है रिकॉर्ड उसके लिए फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ईयर एंड फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो दे दिया जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21-22 के लिए यहाँ पर चार क्वार्टर का डेटा अवेलेबल है। जैसे अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए मंथली फ्रीक्वेंसी थी इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर, जुलाई से लेके सितंबर तक के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी थी मंथली, यानी कि ये मंथली रिटर्न जो है वो फाइल कर रहा है। अक्टूबर टू दिसंबर के लिए मंथली है और जनवरी से मार्च के लिए भी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है मंथली का। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को जो अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी है वो मंथली फाइल करनी है, यानी कि 11 तारीख तक इसको GSTR1 में आपके इनवॉइसेस अपलोड कर देने हैं। अगर वो नहीं करता है तो आपका ITC जो है वो रुक सकता है। इसी तरीके से आप करंट फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का भी देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर अप्रैल टू जून की फ्रीक्वेंसी मंथली है। ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके सप्लायर के सिलेक्शन पे। अगर वो मंथली टू क्वार्टरली स्विच करता है तो यहाँ डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट करके दे दिया जाता है। तो ये हो गया मंथली फाइलर के लिए। सिमिलरली किसी भी आप एक क्वार्टरली जीएसटीन वालों का जीएसटी नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई क्वार्टरली फाइलर है तो उसका डेटा आपको किस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाएगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है या उसके इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको कब मिलेगा और उसकी रिटर्न जो है वो कब फाइल हुई है। जैसे मैंने एक दूसरा सर्च किया है डेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रैल से जून के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, यानी कि ये 13 तारीख तक अपनी IFF के रिटर्न भरेगा और इसके बेसिस पे हमें ITC जो है वो मिलने लगेगा 2B के अंदर। तो ये काफी अच्छा स्टेप जीएसटी पोर्टल के द्वारा लिया गया है, काफी अच्छा फीचर जो है ये इनेबल किया गया है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका रिटर्न जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में किस तरीके से फाइल हो रहा है। और फाइलिंग टेबल तो आपको ऑलरेडी पता है, ये तो काफी टाइम से अवेलेबल है ही। ये फाइलिंग फ्रीक्वेंसी वाली ऑप्शन जो है वो अब इनेबल कर दी गई है। इसी के साथ साथ इनकम टैक्स पोर्टल में भी एक चेंज किया गया है, जहां पर पहले आपको टैक्स पेमेंट के लिए टिन NSDL की वेबसाइट पे जाना पड़ता था, अब उस वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स का एक ऑप्शन दे दिया गया है। इस ई पे टैक्स का ऑप्शन यूज करके आप चालान जो है डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल से ही जमा
कर सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो रेगुलर असेसमेंट का टैक्स हो, इक्विलाइजेशन लेवी हो, कोई फी वगैरह पे करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो इसका भी बेनिफिट जो है वो अब आप ले सकते हैं, आपको अलग अलग पोर्टल्स पे जाने की जरूरत नहीं। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, डिमांड अगर कोई TDS का आया हुआ है, TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद TDS ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट्स वगैरह जो है, सारे ऑप्शंस यहां पर आपको अवेलेबल हो चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे चेंजेस जो है GST पोर्टल और इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर किए जा रहे हैं, जिससे आपकी फाइलिंग जो है वो और आसान हो सकती है। पेमेंट करने के लिए आपको न्यू पेमेंट ऑप्शन में जाना है, और न्यू पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद इनकम टैक्स का पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ पेमेंट जिस भी हेड में आपको पेमेंट करना है, जैसे हमें करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करके आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको टैक्स का ब्रेकअप, सरचार्ज का ब्रेकअप, सेस का ब्रेकअप, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, यानी कि जिस हेड में जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फीड करना है और उसे करना है कंटिन्यू। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब पेमेंट मेथड जो है वो काफी सारे आपको अवेलेबल करवाए गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर पे एट बैंक काउंटर का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू और कैश के थ्रू भी अपना इनकम टैक्स जो है डायरेक्टली जा करके बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर कैश के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पर करी जा रही हैं, दिन पर दिन आपकी इजी फाइलिंग के लिए पोर्टल जो है लगातार कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है। जिसके लिए आपको करना क्या है, जिसकी अपडेट्स के लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको हमारी मैगजीन सब्सक्रिप्शन लेनी है, जिसमें अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट जो लास्ट 2 डेज के लिए बचा है। जल्द से जल्द इस डिस्काउंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं और अपने आप को GST और इनकम टैक्स के पोर्टल अपडेट्स और लीगल अपडेट्स से रूबरू करा सकते। Thank you and have a nice day. सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।